जमाने में क्या क्या होगा। अमन का ज़माना खुद अपने इस लफ्ज़ से ही वाज़ेह है कि अमन के ज़माने में क्या होता है, यानी कायनात ज़हूर इमाम पर मिसले जन्नत बन जाएगी, कोई किसी का हक नहीं खाएगा, कायनात से गुर्बत तंदस्ती मिटा दी जाएगी, झूठी बीमारियां, झूठी अदालतें ये ख़त्म कर दी जाएंगी, ज़माना दर इंतज़ार अदालत, अदालत दर इंतज़ार महदी। अदल के हवाले से मैं पहले भी गुजारिश कर बैठा हूँ, दो लफ्ज़ हैं जिनको आम तौर पे हम इकट्ठे बोल जाते हैं, अदल और इंसाफ, हालांकि इंसाफ और है, अदल और है। आसान से लफ्ज़ों में कहूँ, अदल कहते हैं जो जिस चीज़ का हकदार हो उसको वो चीज़ देना अदल कहलाता है। इंसाफ हम आम तौर पे इकट्ठा लफ्ज़ बोल जाते हैं, अदल और इंसाफ, मगर इनमें बहुत फ़र्क है। तो सरकार ने अदल कायम करना है। ज़हूर के बाद क्या क्या होगा, अमन के ज़माने में क्या क्या होगा, मोहब्बत, भाईचारा, खलूस, ये तफरकाबाजी ख़त्म हो जाएगी।